सीतापुर के विकास की बात मुखिया के साथ। स्मार्ट होंगे गांव, मिलेगी शहर जैसी सुविधाएं। सभी ब्लॉकों में बनेगी हाट बाजार। 219 गांव में खेल के मैदान बनाने की तैयारी। पंचायत भवन में होंगे जन सुविधा के काम। जीपीएस लोकेशन से होगा कार्यों का भुगतान। आवास आवंटन में नहीं चलेगी प्रधान की मनमानी। गुजरे साल 2022 में सीतापुर में क्या रही उपलब्धि और आने वाले 2023 में सीतापुर को क्या सौगातें मिलने वाली हैं, तो हम आज बात करेंगे गांव में जो विकास कार्य हैं उसको लेकर और जिन पर विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी है मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा जी से। वो इस वक्त आई इंडिया से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है, और पहला सवाल मेरा सर ये है कि उपलब्धियों की अगर बात करें गुजरे साल तो क्या रहा, सीतापुर में कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां रहीं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस तरह का कार्यक्रम जो है एक आयोजित किया। और जैसा कि उपलब्धियों के बारे में आपने पूछा, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, ग्राम विकास विभाग की कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं, और उनमें जैसे नरेगा जो है, मनरेगा जो है, ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है सीतापुर जनपद के लिए, क्योंकि यहाँ मानव दिवस का सबसे अधिक लक्ष्य रहता है। मतलब अगर हम देखें तो राज्य भर में टॉप 1-2 में हमेशा जो है सीतापुर रहता है। तो इस दृष्टिकोण से सीतापुर जनपद नरेगा जो है सीतापुर जनपद के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और एक की फैक्टर है। तो नरेगा में हम पिछले वर्ष में हमने बहुत सी चीज़ें प्लान की और बहुत सी चीज़ें अच्छे से करवाई भी। जैसे उनमें से 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। हमने जैसे प्लान किया है कि हम हाट बाज़ार जो है बनवाएंगे, हर ब्लॉक में एक एक हाट बाज़ार का हमने प्लानिंग की है। 2020 में इस जनपद में एक हाट बाज़ार सकरन खुर्द एक ग्राम पंचायत थी, वहाँ पे बनी थी। तो उसके बाद जो है हमने प्लान किया कि वो उसकी काफ़ी जो है प्रशंसा भी हुई राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे, डॉक्यूमेंट्री में, नरेगा की डॉक्यूमेंट्री में उसको कवर किया गया। तो वो काफ़ी अच्छी एक हाट बाज़ार बनी थी, वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यापारी आते थे और जो है आके बैठते थे और अपनी दुकान लगाते थे, और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना था वो, बेसिकली रूरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे जो 19 विकास खंड है, क्यों ना सब में ये किया जाए। तो इसकी हमने नींव इस वर्ष में रख दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा अचीव कर ले जाएंगे। तो अभी जैसे मिश्रिक एक जो है विकास खंड है, वहाँ पे जो है हमने बढ़िया ग्राम पंचायत है वहाँ पे कंप्लीट कराया है, अभी पिछले ही माह हुआ है। और इसी प्रकार से बिसवा में भी एक कंप्लीट हुई हमारी हाट बाज़ार, बाकी जो है उन पे समय कार्य प्रगति पे हैं, तो इसको हम कराएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जनपद के लिए, क्योंकि हमने एक सिमिलर पैटर्न की चीज़ को हर ब्लॉक में रेप्लिकेट किया है उसी मतलब स्टैंडर्ड पे। तो ये हमें एक मतलब मील का पत्थर टाइप का साबित होगा सीतापुर जनपद के लिए। जो व्यापारी हैं, लोकल रूरल व्यापारी हैं, वो वहाँ पे बैठेंगे, अपने जो है जो भी मसाला है या और भी सब्जी है या मछली है या कुछ भी व्यापार करते हैं, उनके सब के अलग अलग प्लेटफॉर्म बनवाए हम लोगों ने, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे वो अपनी सुनियोजित ढंग से बैठें। और किसी को ये ना हो, जैसे कभी कभी हो जाता है कि भाई हाट बाज़ार में कि ये मेरी जगह है, ये इनकी जगह है, तो वो जो एक सिचुएशन उत्पन्न होती है वो ना हो, सबके जगह फिक्स हो जाएं, और जैसे जो बड़ी बड़ी बाज़ारें हैं वो एक व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाए। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है, नरेगा के थ्रू हम इसको अचीव कर रहे हैं। ऐसी जैसे जो जितनी ग्राम पंचायतें, क्या सब में है या कि ये मॉडल रूप से अभी आपने अपनाया है? देखिए, ये इसमें जो है, चूँकि नरेगा से ये बनती है, इसमें कुल लगभग 20-22 लाख का खर्च आता है, क्योंकि शेड वगैरह बनते हैं। इसमें हम कन्वर्जेंस भी करा रहे हैं कि जैसे क्षेत्र पंचायत से हम इसमें कम्युनिटी टॉयलेट बनवा देते हैं, और लाइटिंग की व्यवस्था और हैंडपम्प की व्यवस्था, जिससे जो लोग आएँ उनको एक जन सुविधा भी कुछ उपलब्ध हो। तो अभी हमने जो प्लान किया है, वो हमारी प्लानिंग है कि हम हर ब्लॉक में जो बड़ी बड़ी बाज़ारें हैं उनमें पहले स्तर पर कर लें, उनकी सक्सेस देख के वो और जगह भी रेप्लिकेट कमिंग ईयर्स में हो जाएंगी। क्योंकि मटेरियल एक्सपेंडिचर होता है, तो एक साथ हम बहुत सारा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, कुछ इसमें हमारा रेशियो भी हमें मेंटेन करना रहता है, एक साथ हम नहीं कर सकते। अभी हमारी प्लानिंग है कि हर ब्लॉक में हम एक ऐसी बड़ी बाज़ार ले लें जो साप्ताहिक लगती हो किन्हीं 2 दिनों में, और उनमें उनको हम अच्छे से डेवलप करें, और फिर वो एक मॉडल की तरह पूरे ब्लॉक के लिए एक्ट करें, और फिर हम उनको जो है रेप्लिकेट करें कमिंग ईयर्स।
रही हमारी। तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी देन है या चीज देने जा रहे हैं कि उनके यहाँ हाट बाजार की व्यवस्था हो रही है। अभी फिलहाल ब्लॉक एक ब्लॉक में रहेगी, उसके बाद इस तरीके से ग्राम पंचायतों में और भी बनाई जाएगी। सर ये तो हो गई हाट बाजार की बात, इसके अलावा अब गांव में बहुत सारे लोगों को पार्क आप बना के दे रहे हैं, जो शहरों में मिलते थे अब वो गांव में देखे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आप मेरे ख्याल से बर्मी में जो एक बर्मी ग्राम पंचायत है मशरक में, उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। और हमारी और भी कई ग्राम पंचायतें हैं, जैसे सकरन में भी एक दो हैं ग्राम पंचायतें जहाँ पे हमने एक आयुष हर्बल वाटिका की तरह बनाया, वहाँ सारे आयुर्वेदिक जो है खूबियों वाले पेड़ लगे हुए हैं, जैसे अर्जुन हो गया, पलाश हो गया, इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं और हर्ब्स वगैरह लगी हुई हैं। तो इस तरह की भी हमने दो तीन वाटिकाएँ जो है कई ब्लॉकों में बनवाई हैं गत वर्षों में, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम इस जो हमारा जो ये मॉडल है वाटिका बनाने का, और वाटिका कम वो खेल का मैदान हो जाती है बेसिकली, तो वहाँ पे साइड में हम वृक्षारोपण करा देते हैं, बढ़िया इंक्लोजर रहता है, बाउंड्री वॉल से बढ़िया इंक्लोजर रहेगा और साइड में हमारे बढ़िया मतलब आयुर्वेदिक उपयोग के और अन्य उपयोग के वृक्ष हो जाते हैं, और अंदर हम छोटे बच्चों के लिए जैसे झूले या इस तरह का पार्क भी डेवलप करते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश है, इसी को हमने थोड़ा और मॉडिफाई करके ये कोशिश की कि जैसे जनपद में 219 न्याय पंचायतें हैं, तो जिलाधिकारी महोदय के भी यही निर्देश थे कि हम हर न्याय पंचायत पे खेल का मैदान डेवलप करें, तो हमने भूमि तहसील के कोऑर्डिनेशन से चिन्हित भी कर ली हर जगह, और लगभग 50 जगहों पे, 50 से 60 जगहों पे जो है हमने बना के अभी रेडी भी कर लिया है। जो हमारे नए पंचायत है वहाँ पे खेल के मैदान हमने रेडी भी कर लिए हैं। ये जो मॉडल है इसमें हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, गांव के लोगों को चूंकि रोज़गार मिल सके तो हमने लेबर का कंपोनेंट इसमें रखा है, और हमने ये कोशिश की है कि जैसे इसमें वायर फेंसिंग वाला पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, एक हम बढ़िया सा गेट बनवा दें, और अंदर उसमें हमने कोशिश की है कि जो है रनिंग ट्रैक हमने जो है जो ओलंपिक साइज़ का रहता है, तो हमने बड़ी ही स्थल इसलिए चयनित किए हैं कि उसमें एक रनिंग ट्रैक हो जाए जिसमें 3-4 ट्रैक हों, और अगर कोई ग्रामीण जो है रेस वगैरह जो होती हैं ग्रामीण स्तर पे तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाए, अंदर उसके वॉलीबॉल कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट जो भी लोगों की लोकल नीड्स हैं, जो भी वहाँ के बच्चे खेलते हैं या युवक मंगल के दल के लोग जो सजेस्ट करते हैं, तो वो हमने करवाया। परसेंडी ब्लॉक में और एलिया ब्लॉक में 2-3 इस तरह से जो है बने हुए हैं, बहुत अच्छे खेल के मैदान अभी विकसित हुए हैं। जैसे महमूदाबाद में एक है हमारा, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कुश्ती का एक ट्रेडिशन था, तो वहाँ थोड़ी बलुई टाइप की मिट्टी है, तो वहाँ पे एक जो है दंगल या कुश्ती के लिए भी उन्होंने जो है उसको डेवलप किया। तो बिल्कुल लोकल नीड पे है, हमारा ये था कि हम खेल का मैदान नाम से डेवलप करें, वो मे बी पार्क भी हो सकता है, बच्चों के लिए झूले भी हो सकते हैं, और लोकल जो लोगों की नीड्स हों जो वो सजेस्ट करें उस हिसाब से हम इस पे कार्रवाई करें। तो ये हम 219 नए पंचायतों में अगले वर्ष में हम पूरा जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लगभग 50 के अराउंड हमारे अभी बन के तैयार हैं खेल के मैदान। तो राजधानी से सटा सीतापुर जनपद है और सीतापुर जनपद के गांव कितना बदल रहे हैं, जो विकास योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं उसको लेकर के गांव के लोग जो शहरों की तरफ आते थे अब शहर जैसे गांव बनते जा रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं से गाँव को विकसित किया जा रहा है, इसके लिए हम लगातार मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, और आगे हम ये जानना चाहेंगे। ये तो आपने बताया गांव में ये बदलाव देखने को मिल रहा है, ये कार्य हो रहे हैं, और भी कई योजनाएं आपकी हैं जो गांव की तरफ हैं, तो वो क्या कुछ खास है? जी देखिए, अन्य एक और हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है, जैसे कि शासन की भी महत्वाकांक्षी योजना है कि पंचायत भवन हर जगह जो है हर ग्राम पंचायत में बने, तो उसी के क्रम में लगभग 1599 ग्राम पंचायत हैं इस जनपद में और 1408 के अराउंड हमारे पंचायत भवन एक्टिव हैं, तो इनका निर्माण का कार्य भी हमने पूरा करा लिया, यहाँ पे पंचायत सहायक भी नियुक्त है, और हम इसको एक अब हमारा भविष्य में ये प्लान है कि ये पंचायत भवन जो हमारे हैं ये एक बेसिकली जनसेवा केंद्र की तरह एक्ट करें, शासन का एक जीओ भी है इसके क्रम में, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो जैसे आय जाति निवास प्रमाण पत्र और अन्य जो भी केंद्रीय और राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं उनके उनसे लाभान्वित होने के लिए लोग आवेदन करते हैं जनसेवा केंद्र पे, तो वही आईडी इन पंचायत सहायकों को मिलेगा, और अब व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने गांव में ही अपने गांव का ही पंचायत सहायक जो नियुक्त है और उसी से मिलके आपको अपना जो है कोई भी जो भी आपको आय जाति प्रमाण पत्र बनाना जो भी आवेदन करना है वो कंप्यूटर वहाँ पे उपलब्ध है सभी जगहों पे, तो उस पे आप आवेदन वो आपको कराएगा और आपको वहीं से प्रिंट होके वो मिल जाएगा रिपोर्ट लगने के बाद। तो एक हमारा ये है, अभी हमने कोशिश की है कि हमारे जितने पंचायत भवन में लगभग 85% हमारे टोटल ग्राम पंचायतों में सभी पंचायत भवन में हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फंक्शनल है, तो इसमें पुस्तकालय के तौर पर हमने इसको डेवलप इसलिए किया है कि बेसिकली जो गाँव के लोग हैं उनको एक पहली बात तो एक एसेट मिल जाएगी जहाँ पे वो बैठ सकते हैं, प्रायः ये देखा जाता है कि कोई अच्छा भवन नहीं है या बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे एक साथ कई लोगों की गैदरिंग हो सके,
तो पंचायत भवन के रूप में हमें सरकार से बहुत अच्छी एक एसेट मिली है, तो इसको हमने यूज़ किया है कि इसी में हमने साइट्स में रीडिंग कॉर्नर्स वगैरह लगवा दिए हैं और बुक्स रखवा दिए हैं जो वहाँ के लोकल बच्चे, जैसे कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए कर रहे हैं या यूपीएससी कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं तो वो सजेस्ट करते हैं। एक हमने डायरी बनवाई हुई है वहाँ पे, तो वो अपना सजेस्ट कर देते हैं कि क्या क्या उन्हें बुक्स चाहिए, और पंचायत सहायक बेसिकली वहाँ पे लाइब्रेरियन की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो उस हिसाब से हमारी खरीद हो जाती है। कुछ इनिशियली हमने कुछ बुक्स वहाँ रखवा भी दिए हैं, तो वो बच्चे अपना आते हैं, अपना पढ़ते हैं वहाँ पे 6-7-8 घंटा जो भी सुबह के टाइम में, और वहाँ से वो बेसिकली अपनी ग्रुप लर्निंग भी कर सकते हैं। और जो घर में उनको ये हो जाता था कि भाई एक ही कमरा है, दो ही कमरा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है आके वो फुलफिल कर सकते हैं। इनको एक अच्छा रीडिंग कॉर्नर मिल रहा है, बढ़िया लाइट है, अपना व्यवस्था है सारा कुछ, कंप्यूटर की भी सुविधा, अगर कुछ प्रिंट करना है तो वो भी वो कर सकते हैं। तो ये एक हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज हर जगह बने। तो हमने लगभग 83% ऑफ 59 जो GPs हैं इनमें लगभग पूरा करा लिया। अन्य जो हमारा जो बचा हुआ है, उसका कारण ये है कि कुछ हमारे लगभग 150 पंचायत भवन जर्जर वाले हैं, तो उनके ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई होनी है। कुछ जगहों पे कोई भवन था ही नहीं पहले से, तो उनमें हम नए प्रस्तावित करें, वो इस वित्तीय वर्ष में, अगले जो वित्तीय वर्ष है, अगला वर्ष है, तो हम कोशिश करेंगे अगले 3-4-5 महीनों में ही इसको हम पूरा कंप्लीट कर लें। इसी के साथ साथ पंचायत भवन में एक हमने कोशिश की है कि जो हमारी लाभार्थी परक योजनाएँ हैं उनके हमने फ्लेक्स बनवाए हैं, पूरे बैनर्स बनवा के, और बाहर आप देखेंगे पंचायत भवनों के बाहर लग गए हैं कि भाई दिव्यांगजन विभाग की जैसे एक्स योजना है तो इसका ये पोर्टल है, इसमें योजना में ये मिलता है, इस पोर्टल पे आप, आजकल सबके पास मोबाइल है, या अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है वो आवेदन करना चाहता है, उसके नाती पोते या उनके कोई जो आजकल युवा हैं उनके पास हुआ है, तो वो देख के उस पर आवेदन कर लें, सब कुछ उनको मिल जाएगा वहाँ पे कि भाई ये वेबसाइट है, इस पर ये लॉगिन करना, ऐसे आवेदन होना, और बाकी जो रही सही बात होगी वो आपको पंचायत सहायक बता देगा। मतलब कोई चीज़ योजना है जो सरकार की, वो छिपी ना रहे, सबको सब कुछ सारी चीज़ जानकारी होती रहे, जिससे वो जब भी जिसको आवेदन करना अपना कर ले। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी पंचायत भवन को एज मॉडल जन सुविधा केंद्र बनाना, और वहीं से सारी सुविधाओं का, मतलब जो भी समस्याएं उनका निस्तारण कराना। इसी क्रम में पंचायत सहायक को हमने एक यहाँ पे अपना एक IEEE विकास भवन में एक जो है कोविड के टाइम पे कमांड सेंटर बना था, तो उसी में अब हम इसमें जो है हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमने ये एक फैसिलिटी यहाँ पे दी है कि सभी पंचायत सहायकों पे, जैसे ग्रामीण परिवेश में किसी को जनपद स्तर से कोई समस्या है, मान लीजिए कि समाज कल्याण विभाग में पेंशन की कोई समस्या है, तो वो बेहटा अगर मान लीजिए ब्लॉक है हमारा, तो 90 किलोमीटर दूर यहाँ किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए आना और फिर वापस जाना बहुत कठिन कार्य है, तो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि पंचायत सहायकों के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमने यहाँ का एक नंबर सर्कुलेट कर दिया है और उन सबको बता दिया कि अगर किसी को कोई समस्या होती है आपके गांव में तो आप इस उससे वो समस्या पूछिए, एक रजिस्टर मेंटेन करिए और वो समस्या हमको यहाँ बता दीजिए। वो समस्या यहाँ आती है, हम यहाँ से उन अधिकारियों को लेटर भेज के और 3 दिन में कोशिश करते हैं उसका निस्तारण हो जाए, और वापस कॉल बैक करके उस संबंधित पंचायत सहायक को वो बता देते हैं कि भाई ये इसका सोल्यूशन है। तो बेसिकली जी वहाँ जो डिस्टेंस वाला क्लॉज था कि भाई आप इतनी दूर आओ फिर पता नहीं निस्तारित हो भी ना हो, तो वो चीज़ हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वन स्टॉप आपका सेंटर पंचायत सहायक पंचायत भवन हो जाए, सारी समस्याएं वहाँ केंद्रीकरण हो जाए और वहाँ से ट्रांसफर होकर हम सीधे उसका रेजोल्यूशन कर दें। तो बहुत सफलता भी मिली है इसमें, तो डेली हम भी रजिस्टर अवलोकन करते रहते हैं, 10-15-12 शिकायतें आ ही जाती हैं, तो धीरे धीरे जैसे पॉपुलराइज होगा ये नंबर और उसके हिसाब से और हमारा जो है समस्याओं का निस्तारण अच्छा हो जाएगा। ये माना जाए जो ग्राम पंचायत हैं, वो जो ग्राम पंचायत भवन था उसको ग्राम सचिवालय के रूप में उसको स्थापित किया जा रहा है, यही परिकल्पना भी है और इसी को हमें साकार भी करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही परिकल्पना है कि इस तरह से सचिवालय के रूप में वो एक्ट करें, तो यही हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी सेक्रेटरीज है उनका रोस्टर भी हमने ये कोशिश की है कि ग्राम पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल पर ही सब पेंट हो जाए कि भाई आज के दिन, जैसे प्राय ये होता है कि सेक्रेटरी कहाँ पे है या किसी को परिवार रजिस्टर निकल जाए, कुछ चाहिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो कोशिश ये है कि जो नए पंचायत भवन है सब में जो है उनका रोस्टर प्रिंट हो जाए कि भाई मंगलवार को इस ग्राम पंचायत में बैठेंगे, गुरुवार को यहाँ बैठेंगे, इस दिन यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। और जो भी शेल्फ और वर्क है हमारा, ग्राम निधि जो हमारी है, राज्य वित्त केंद्रीय वित्त, उससे जो कार हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से कि भाई 1, 2, 3 नंबर ये कार इस वित्तीय वर्ष में ये कार कराए गए, जिससे कि लोगों को डाउट रहता है कि भाई पैसा गबन हो गया या क्या हो गया, कार्य नहीं हुआ, तो वो सब जानकारी भी लोगों को। तो अभी हम इसको इनिशिएट हम लोगों ने अभी पिछले 1-2 महीने में किया है, तो कोशिश है कि ये जैसे जैसे इस पे हम लोग और प्रेशर भी बनाएंगे और जो है हमारे जो कर्मचारीगण हैं वो उसमें सहयोग भी उसी हिसाब से करते हैं, तो धीरे धीरे ये एक रूटीन में आ जाएगा, जब हैबिट बन जाएगी तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी पूरी ग्राम पंचायतों की फंक्शनिंग हो जाएगी। तो ये सीडी साहब, एक और गाँव में ये रहता था कि डूंगल पहले कहीं से भी कोई लगा लेता था, अब आप इतना मजबूत बना रहे हैं ग्राम पंचायत को या ग्राम पंचायत भवन को
तो अब डूंगल की व्यवस्था क्या ग्राम सचिवालय से ही होगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए ये जो है शासन की भी यही परिकल्पना थी कि जो है जो भुगतान हो रहा है वो ऐसा ना हो कि जो है कहीं कंप्यूटर कैफे से हो रहा है या कहीं एक्स वाई जेड जगह से हो रहा है, प्रधान के घर से हो रहा है, जिससे बहुत सारी जो है संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो ना उत्पन्न हो। तो ये एक इस परिकल्पना के तहत एक पंचायत गेटवे करके एक पोर्टल बनाया है पंचायती राज विभाग ने। उस पोर्टल में जो है जब पहली बार लॉगिन होता है तो उसमें जो है जो जीपीएस लोकेशन है जिस कंप्यूटर से उसको लॉगिन किया गया वो फीड होनी है। तो ये जो है निर्देश है शासन के कि जो पंचायत भवन की जीपीएस लोकेशन है वहीं से वो पोर्टल खोला जाए, वहीं से सारा भुगतान हो और उसकी उस कंप्यूटर की जीपीएस लोकेशन उस पर फीड हो जाए। तो इसी के क्रम में हमने 1900 ब्लॉकों की एक डिजिटल डायरी भी मंगवाई है जिसमें जीपीएस लोकेशन के साथ ग्राम पंचायत का नाम है, पंचायत भवन में बैठे हुए पंचायत सहायक की फ़ोटो है जीपीएस लोकेशन सहित। तो ये हमने फीड भी करवाई है उस मतलब जो सूचना थी उसको फीड भी कराया और इसको वेरीफाई भी किया कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि पंच प्रधान के घर का जो है जीपीएस लोकेशन उन्होंने फीड कर दिया है। तो हमने ये कोशिश की जितने हमारे एक्टिव पंचायत भवन है जैसे 1408 मैंने बताया आपकी, इनमें सब में सही लोकेशन फीड हो और जो वहाँ का कंप्यूटर है वो पंचायत भवन से ही उसका भुगतान हो। अब एक बार जीपीएस लोकेशन फीड हो गई तो उसके बाद और कहीं से भुगतान हो ही नहीं सकता उसमें, तो ये भी सुविधा है। तो वो हमने लॉक भी करवा दिया है, फ्रीज हो गई है वो सब सूचना। तो जो हमारे एक्टिव पंचायत भवन है जो विभागीय बिल्डिंग में चल रहे हैं अभी उनमें सब में ये पूरी जो है व्यवस्था है कि वहीं से भुगतान होगा और इसके अन्यत्र अगर कहीं से करेंगे तो वो आपका डिटेक्ट होकर हमको फ्लैग भी होता है और इस पर कड़ी चिट्ठियाँ भी जो है शासन से भी जारी होती है और हम लोगों ने भी समीक्षा करके जहाँ से भी है तो उनसे स्पष्टीकरण भी लिया है। तो उन लोगों ने अपना जो है रीज़न दिया कि भाई उस दिन साइट नहीं चल रही थी या कुछ ऐसा था, तो मतलब बिना कारण के कहीं से भी आप अन्य कहीं जगह से भुगतान कर ही नहीं सकते। और शासन की ये व्यवस्था है कि कुछ दिनों बाद ये बंद ही हो जाएगा बिल्कुल से कि आप वो पेमेंट लेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगी वो पेमेंट अगर उस जीपीएस लोकेशन के अन्यत्र कहीं भुगतान होगा। तो ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल, तो देखिए गाँव के विकास की बात हो रही है और गाँव में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जो है धरातल पर उतारा जा रहा है कि गांव की योजनाएं गांव से ही संचालित हों और गांव वालों को पता हो, हर एक नागरिक को पता हो और वहीं पर जो वहां के जिम्मेदार कर्मचारी हैं अधिकारी वो गांव में बैठकर काम करें और गांव के लोग शहरों की तरफ ना आए। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ये भी बताया आपने। सर इसके अलावा गांव में बहुत सारी योजनाएं और भी संचालित हो रही, खासकर आवास सबसे ज़्यादा इसी जनपद में मिले हैं, तो एक आवास को लेकर के बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं जी। उसको जो अब जो आवास मिल रहे हैं वो कितने लोगों का लक्ष्य है और अब किस तरीके से उसको और पारदर्शी बनाया जा रहा है? देखिए आवास का सीतापुर जनपद में हमेशा ही बहुत ज़्यादा लक्ष्य रहता है, लगभग 38,000 का पिछले वर्ष था, उसके पहले 49,000 का था लक्ष्य पूरे जनपद का। इस वर्ष 13,500 का हमें अभी लक्ष्य मिला है और ये बीच बीच में रिवाइज भी होता रहता है तो उसको थोड़ा आगे पीछे होने के बीच में संभावना रहती है। तो आवास के लिए बेसिकली जो हमारी आवास प्लस की सूची चल रही है उसमें पात्रता की सूची एक बनी हुई है, उसमें जिसका नाम है उसका सत्यापन जो है सेक्रेटरी द्वारा, संबंधित सेक्रेटरी द्वारा और सेक्टर के प्रभारी हमारे एडीओ बने हुए हैं, उनको एक एक एडीओ को और जो है जो अन्य अधिकारी हैं ब्लॉक पे उनको कुछ कुछ ग्राम पंचायतें दी गई हैं तो वो उसको रैंडमली क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो इसमें ये व्यवस्था है कि जो सूची में जिसका नाम है उसकी पात्रता अपात्रता चेक की जाती है और अगर वो अपात्र निकलता है तो उसको जो है रिमांड कराने का एक प्रक्रिया होती है, उसका ग्राम सभा की कार्रवाई होती है, उसका एक जो है कार्रवाई का जो है रिकॉर्ड जो होता है कार्रवाई लिख के वो यहाँ पे अपलोड कराई जाती है पोर्टल पे, फिर यहाँ से उसको जो है रिजेक्ट कराया जाता है। तो ये सूचना हमें ब्लॉक से प्राप्त होती है उसके बाद रिजेक्ट कराया जाता है, मतलब ये नहीं है कि किसी ने किसी को जो है मतलब उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनके आधार पर ही रिजेक्शन होना है, जिसमें कुछ कुछ भ्रांतियाँ कभी कभार रहती हैं, लोगों की शिकायतें भी आती रहती हैं। तो ये कोशिश रहती है कि हम इस बार हम लोगों ने जो ट्राई किया वो ये किया है कि हमने यहाँ से जनपद स्तरीय अधिकारी भी लगा दिए हैं और हमने अन्य विभागों के अधिकारी लगाए हैं, जैसे पशुपालन के भी अधिकारी लगाए हैं। मतलब प्राय ये होता था कि एक ही विभाग का अगर प्रेरोगेटिव हो जाता है तो वो उसमें आपस में क्या हो गया तो वो पता नहीं चलता, तो हमने पशुपालन शिक्षा विभाग के ABSA और इन सब लोगों को लगाया इस बार कि ये लोग रैंडमली जो हमारी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ज़्यादा लक्ष्य आया है तो उसको काउंटर वेरीफाई ये मतलब करेंगे कि जो सेक्रेटरी ने किया है कि सही में अपात्र है कि नहीं है। तो ये हमारी पूरी कोशिश है इस बार कि हम इसको चेक कराएंगे और इसकी हम निरंतर सूचना भी ब्लॉक से ले रहे हैं कि भाई जो आपने जिसको अपात्र ठहराया वो सही में है कि नहीं, तो वो हमारी कोशिश रहेगी। और जो पात्र लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का जो है दायित्व भी होता है सेक्रेटरी के हाथ में, तो वो लोग भी वो कर रहे हैं। इसमें मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं, बहुत सिंपल क्राइटेरिया, अगर आप आवास की वेबसाइट पर या प्रधानमंत्री आवास आप डालेंगे गूगल पर ही डाल देंगे तो उसमें मतलब इंक्लूड होने के और बाहर हटने के जो क्राइटेरिया वो निकल के आ जाते हैं, जैसे
चार पहिया वाहन है आपके पास, लैंडलाइन फ़ोन है, ये ज़्यादातर लोगों को पता भी रहता है, या पक्का जो है आपकी चार पक्की दीवारें हैं, तो इस तरह की जो कुछ कर, या 5 एकड़ से ज़्यादा जो है ज़मीन है आपकी सिंचित असिंचित का उसमें क्राइटेरिया है, ट्रैक्टर है आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली अपात्र हो जाते हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर किसी को लगता है भाई कि अगर मैं पात्र हूँ मुझे जानबूझ के पात्र किया जा रहा है, तो उसकी सूचना हमको भी दे सकता है डायरेक्ट, या ब्लॉक पे दे सकता है, तो हम उसको फॉलो अप करके कोशिश रहती है कि उसको जो सही करवा लें। और पंचायत सहायक के माध्यम से मैंने आपको जैसा बताया कि एक हमने हेल्पलाइन टाइप की जो बना रखी है, तो उसका पंचायत सहायक के पास नंबर है, तो पंचायत सहायक को भी वो नोट करा सकता है, वो फ़ोन करके यहाँ बता देगा अगर नहीं है, बाकी हम लोगों से संपर्क कर सकता है। और धीरे धीरे देखा गया है कि जितना ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, तो धीरे धीरे आवाज़ की बहुत शिकायतें जैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा आती थी, अब उनमें थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि लोगों को क्राइटेरियाज क्लियर हैं, और थोड़ा जो है क्योंकि यहाँ से भी रैंडम चेक्स हो रहे हैं कि भाई आपके पूरे आपके ही मनमर्जी पे नहीं है ब्लॉक्स पे कि जो है आप ही पूरा जो है कर देंगे, यहाँ से भी चेक्स हो रहे हैं, तो उसका एक थोड़ा दबाव रहता है, तो थोड़ा जो है ये डिक्लाइन देखा गया है शिकायतों में। बिल्कुल, देखिए बहुत ही विस्तृत रूप से आप आवासों को लेकर के पूरी चीज़ क्लियर कर रहे हैं। दरअसल आवासों को लेकर निसंदेह बहुत सारी शिकायतें रहती थी। एक चीज़ ये आपने बहुत स्पष्ट कर दी कि आवासों को लेकर जो क्राइटेरिया है, कैसे चयन होना है, किसको अपात्र करना है, किसको पात्र वाले लोग हैं, तो वो किसी दलाल के चंगुल में ना फंसें, ये भ्रांति हटा दें कि इसको प्रधान स्वीकृत करता है। अमूमन ये देखा गया लोगों में ये धारणा बनती जा रही, ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये धारणा बनी रहती है कि प्रधान ने स्वीकृत किया। कई जगह से हमें ये भी शिकायतें आई कि कुछ जो है उत्कोच की मांग की जा रही है कि भाई करोगे तभी आपका करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कहीं प्रथा चल रही है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करूँगा कि लोग मुझे डायरेक्टली विकास भवन में आके भी बता सकते हैं, ब्लॉक पे पहले वीडियो को बताएं, नहीं रिजॉल्व होता है तो आके मुझे बताएं। किसी भी प्रकार का संदेह संशय नहीं रहना चाहिए कि हमारा नाम कहीं कटेगा या जुड़ेगा, ये किसी का अधिकार नहीं काटना जुड़ना। जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये जैसे मैंने 5-6 आपको गिनाई कि ये लोग अपात्र हो जाते हैं और ये लोग पात्र हैं, तो वो एकदम क्लियर कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है। तो अगर आप उसमें लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, नहीं है तो आपका नाम कटेगा, तो उसमें दोनों ही चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, तो ये हमारी कोशिश है। अगर कहीं डाउट क्रिएट होता तो बिल्कुल निसंदेह जो है निसंकोच जो है आके वीडियो से ज़रूर बताएं, पर्सनली मिलके यहाँ पे आके मुझसे जो है प्रातः जो है 10 से 12 के बीच में ज़रूर बताया जा सकता है, तो जिससे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकें समस्या। तो मुख्य विकास अधिकारी के पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके जरिए गाँव का विकास कराया जाता है। अभी तो हमने मुख्य मुख्य बातें की हैं, और भी कई विभाग आपके हैं, कृषि विभाग की बात करें, उद्यान विभाग की बात करें, समाज कल्याण विभाग की बात करें, तो उनके पिटारे से क्या कुछ है? देखिए बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत से विभाग हैं, विकास से संबंधित बहुत विभाग होते हैं, तो उनमें आपने मुख्य मुख्य जैसे गिनाए, तो उद्यान और कृषि विभाग भी हमारे जो है मुख्य विभाग हैं ही, बिल्कुल हैं। तो उद्यान विभाग में जैसे दो नई चीज़ें जो हो रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाईटेक नर्सरी एक जो है बन रही है, तो ये एक बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड नर्सरी होगी, इसको उद्यान विभाग बना रहा है, नरेगा के थ्रू ये बनेगी, और जनपद में दो जगह चिन्हित हुई हैं, एक हमारा केवीके है कटिया में जो उसमें चिन्हित हुई है, और एक हमारा कृषि नेरी में हमारा उद्यान विभाग का एक फार्म हाउस है, तो उसमें बनेगी, ये दो जगह चिन्हित हुई जनपद में। तो इसको बेसिकली नरेगा से इसमें शेड बनेगा और प्लांट की सैपलिंग्स वगैरह तैयार की जाएगी और जनपद भर में उनका जो है सप्लाई की जाएगी और समूह द्वारा इसको भविष्य में रन किया जाएगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो जनपद में दो जगह ऐसी चयनित हुई हैं, तो उसकी हम अभी कार्रवाई अभी निर्माण कार्रवाई जो है अभी शुरू नहीं हुई है, इसका एस्टिमेट वगैरह अप्रूव हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं अगले वित्तीय वर्ष में जो है बन के रेडी भी हो जाएगी और फिर हम इसको संचालन जो है समूह के माध्यम से कराएंगे। तो उद्यान विभाग का ये एक बहुत महत्वाकांक्षी जो है एस्पेक्ट है। एक और मैं स्कीम आपको उद्यान विभाग की बताना चाहूँगा, एक हमारी PMFME करके स्कीम है, इसमें जो सूक्ष्म ये खाद्य उद्यम हैं उनको बढ़ाने के लिए उनके उन्नयन के लिए योजना है। बेसिकली फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री होती है कि डायरेक्ट जैसे आपने गन्ना लिया और फिर जो गुड़ बना रहे हैं जैसे, तो वो कुछ उसको प्रोसेस किए, या शहद लिया तो हनी जो है बी आपने पाली और शहद आप बना रहे हैं, तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसकी अगर आपने कुछ प्रोसेसिंग की, अचार बना रहे हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उद्यान विभाग की ये योजना है, केंद्र सरकार की बेसिकली योजना है, तो इसमें जो है उनको लोनिंग का है, उनको जो है कुछ जो है इक्विपमेंट्स अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए लोन मिल रहा है, और जो है अपना कुछ मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी तो उसमें भी सहायता मिलती है। तो ये उद्यान विभाग की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें जनपद की थोड़ी प्रगति अभी ख़राब है, चूँकि पिछले ही 2-3 महीनों से ही इसको जो है इस पर फोकस बहुत अच्छे से हो पाया है, तो मैं मानूँ इसमें ख़राब है, अभी ज़्यादा लोनिंग हुई नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकते हैं, हमारे जिला उद्यान अधिकारी जो हैं उनसे जो है बिल्कुल बात कर सकते हैं, मुझसे एक बार बात कर सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जनपद की प्रगति इसमें अच्छी की जाए, और जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में जो लोग काम करना चाह रहे हैं
तो वो लोग आगे बढ़ के आएँ और उनको हम हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर सकें। तो ये दो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएँ उद्यान विभाग की हैं। बाकी रूटीन में DBT वाली से संबंधित बहुत सी हमारी जो है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन होता है, जिसमें आपको बागवानी और जो है आपको और जो चीज़ें लगानी है उसके लिए आपको अनुदान वगैरह मिलता है। और हमारा एक स्प्रिंकलर देने की ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली एक स्कीम है, तो उसमें जो है कृषि सिंचाई योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें अगर आपको जो है स्प्रिंकलर या ये सब लगाना है अपने खेतों में, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है DBT से। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑटो सेलेक्ट होता है पोर्टल से ही। तो ये एक उद्यान विभाग का DBT पोर्टल है, तो उसका लाभ लोग उठा सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें उद्यान विभाग की थी। इसी प्रकार से कृषि विभाग भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है इस समय। हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से जो है हम कुछ बढ़िया निकाल के लाएँ। FPOs जो हमारे हैं जनपद में लगभग 30 के अराउंड FPO हैं, तो उनके साथ हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है कुछ पॉजिटिव वहाँ से निकल के आए। एक हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जो जिसकी जो अनुभव होते हैं वो शेयर करते हैं। एक दो हमने बैठक भी की थी, तो FPOs के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को करें। हमारे कुछ FPO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग शहद बनाने का काम कर रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, या सब्जियों का बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अन्य लोग सीखें और वो बाकियों की हैंड होल्डिंग कर सकें, ये हमारी पूरी कोशिश इस दिशा में है। तो ये एक है। और इसी कृषि विभाग से ही जुड़ा एक हम नदी संरक्षण पे भी हम लोग कुछ कार्य कर रहे थे। जैसे कटना नदी का पूर्व में कार्य हुआ है, उसमें कृषि विभाग का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने का, जैसे आप देखेंगे महोली, पिसावा, गुंदलमो, इन जगहों पर गन्ना की जो है फसल प्राइमरी क्रॉप एक तरीके से हो गई है, तो जो कि जल दोहन बहुत अत्यधिक करती है। उसमें भुगतान में भी लोगों को प्रायः दिक्कत रहती है कि भाई गन्ने की पर्ची का भुगतान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और वो जो है जो वाटर लेवल है उसको बहुत ख़राब करती है। इसी प्रकार से जो हमारी तीनों नदियां हैं, कठिना नदी हो गई, सराय हो गई और आपकी गोमती नदी, ये इनमें जलस्तर गिरने का जनपद में एक मुख्य कारण ये भी है। कृषि विभाग का हम लोग ये भी इस बार फोकस करें कि जो दलहनी, तिलहनी और मूँगफली की जो पुरानी फसल यहाँ कभी हुआ करती थी बढ़िया, उसको हम दोबारा से प्रमोट करें। और ये जो जहाँ दोहन अत्यधिक हो गया है, तो और ये सुटेबल भी हैं बेसिकली मूंगफली, और इसके लिए यहाँ की जो मिट्टी है बलुई टाइप की है, तो उसको हम रिप्लेस करें। एक हमारा कठिना नदी के कैचमेंट में हमने लेमन ग्रास की जो है प्लानिंग की थी, नरेगा से लेमन ग्रास पे बहुत से लोगों को अनुदान दिलाया गया और उन्होंने जो है उसको गन्ने की जगह लेमन ग्रास लगाया। वो भी एक अच्छी कैश क्रॉप है, गन्ने जैसा ही उसमें प्राइस मिल जाता है और ईजिली जो है वो हो भी जाती है, कोई पशु उसको खाता भी नहीं है, तो कोई उसमें कोई खर्चा भी नहीं है तेरे को, साल में 4-5 बार होती है। तो वो भी हमने कोशिश की कृषि विभाग के थ्रू। तो ये हमारे एक मतलब इनिशिएटिव्स ये हैं, अगले साल में इसको हम और अच्छा करना चाहेंगे कि जो पैटर्न है क्रॉपिंग का, वो जो एग्रोक्लाइमेटिक नीड्स हैं उस एरिया की, जिस जगह की अपने जनपद में, उसके हिसाब से हम करवाएं। तो आपने बहुत बड़ी बात बताई सीतापुर वासियों के लिए और ख़ासकर किसानों के लिए। यहाँ के किसानों के लिए कभी मूँगफली की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती थी, 125 मिले थी मूँगफली की, यहाँ का मुख्य व्यवसाय और किसानों के लिए बहुत बड़ी वरदान थी, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फिर से एक बार आपने बताया कि दलहनी और मूंगफली की जो खेती है उसको बढ़ावा देंगे, उसके लिए बड़ी पहल की है, जैसा कि मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने बताया। और हम लगातार सीतापुर वासियों के लिए वो सारी चीज़ें आपसे जानकारी जुटा रहे हैं, ताकि गाँव में बैठे लोगों को पता चल सके कि असल में कौन कौन सी योजनाएँ जिन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। इसी पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक मछली जो है मछली पालन को लेकर के भी है, और इसके अलावा जो अन्य विभागों से जो कुछ योजनाएं हैं जो लाभ पहुंचाती हैं किसानों को। देखिए मत्स्य पालन की भी बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, तो उसमें भी DBT के थ्रू है, इनका पोर्टल है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक है, इसका एक पोर्टल बना हुआ है। तो मत्स्य संपदा योजना के नाम से अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या हमारा जो है विकास भवन में आके आप पता भी कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो मत्स्य पालन के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे इसमें आपको तालाब के लिए अनुदान मिलता है, 60-40 का रेशियो रहता है कि जो है 60% जो है अनुदान हो जाएगा और 40% आपको लगाना है। तो इस तरह के इसमें मतलब फंडिंग का मॉडल है, बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की। तो इसमें जैसे कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई होते हैं जिसमें 6-7-8 टैंक अलग अलग बने हैं, उसको बनाने की जो लागत होती है उसका अनुदान मिल जाता है, तो उसमें अच्छे से जो है सर्वाइव कर जाती हैं हमारी मछलियाँ। वो है डायरेक्ट सिंपल आप पौंड बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी अनुदान है। कुछ लोग जो सेलिंग करना चाहते हैं उनको, जैसे ऑटो रिक्शा टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें रख के वो मछलियाँ बेच पाएँ ले जाके मार्केट, उसके भी अनुदान है। मोटरसाइकिल का अनुदान होता है जिसमें आप पीछे जो है आइस बॉक्स के साथ रख के जो है कर पाएँ। और ये तो हो गया उत्पादन और सेलिंग का, और साथ ही साथ जैसे जो फिशेज जो खाती हैं, आपका फूड जो खा रही हैं दाने वगैरह,
उसको बनाने की फैक्ट्री अगर कोई सेटअप करना चाहता तो उसके लिए भी अनुदान है। तो एक मतलब वाइड रेंज है आपकी पूरी मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। तो इसमें इस जनपद में ये सारी जो है स्कीम्स लागू भी हैं। जो लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, अभी कुछ दिन पहले ही इसका कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है। इस बार मतलब अप्रत्याशित रूप से जनपद में लगभग 4,500 के आसपास सभी योजनाओं में इन सभी में आवेदन आ गए थे, जो कि 600-700 रहता था। प्रचार प्रसार अच्छा हुआ तो ये हर्ष का विषय हमारे लिए कि 4,500 के आसपास आवेदन आए। तो फाइनली उसमें से जो हम लोगों ने सॉर्ट किया, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे थे तो वो लगभग जो है 250-300 लोगों के आसपास मेरे ख्याल से जो है लोग फाइनलाइज हो पाए हैं उसमें। तो बाकी लोग का ये रहेगा कि अपने जो है एक बार अवेयरनेस बढ़ी है तो लोग जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जो है पूरा करके मतलब अच्छे से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो दें। कई लोगों ने उसमें ऐसा भी पाया गया कि आवेदन कर दिया है और डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं नहीं दिए, तो अवेयरनेस तो हो गई है लेकिन सिंसियरिटी जो है वो उतनी नहीं दिखी। तो हम ये मतलब आशा करेंगे आपके माध्यम से अनुरोध भी करेंगे कि जो सिंसियरिटी है वो रहे, जो एक्चुअली जो है इसमें व्यवसाय करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बहुत प्रॉफिटेबल हमारे लिए ये स्कीम्स हैं और मत्स्य पालन का जो एक तरह से जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर देखा जाए अच्छे से हो रहा है तो 2-2.5 लाख रुपये की बताया जाता है कि पर हेक्टेयर जो है प्रतिवर्ष जो है आमदनी प्रॉफिट होता है आदमी को अगर ढंग से किया जाए। तो ये बिल्कुल जो है फॉलोअप किया जा सकता है। अनुदानित योजनाओं की बात हो रही तो इसी में कृषि विभाग को भी हम ले शामिल करते हैं। कृषि विभाग से काफ़ी कृषि यंत्र को लेकर के काफ़ी कुछ अनुदान मिल रहा है और बहुत सारे किसानों को इससे लाभ मिल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं? देखिए ये एक हमारी सब मिशन ऑन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके एक स्कीम होती है, तो ये भी DBT के माध्यम से। इसमें जो है आपका एक तो दो तरह की चीज़ें हैं, नॉर्मली जो है FPO हो गए या समितियाँ हो गई या जो है आपके पंजीकृत सोसाइटीज़ वगैरह हो गई, तो इनको नॉर्मली जो है इस पोर्टल पे अप्लाई करना होता है तो उनको जो है अनुदान मिल जाता है। जैसे लैंड लेवलर हो गया, रोटावेटर हो गया, हैरो हो गया, सारी चीज़ें, ट्रैक्टर हो गया, तो ये सब मिल जाता है। और इसी के साथ साथ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए भी एक अनुदान की व्यवस्था है। उसमें जैसे जो आपका पराली वगैरह अवशेष होता है उसके प्रबंधन के लिए भी इक्विपमेंट्स अगर खरीदने हैं लोगों तो वो भी मिल जाता है। तो कृषि विभाग का ये पोर्टल, इस पर ऑनलाइन आवेदन होता है और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर ही है, तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन उसका निदेशालय से ही हो जाता है और जो लोग चयनित होते हैं तो उनको मिलता है। कोशिश इसमें ये योजना की रहती है कि जो है FPO को दिया जाए, जिसमें जो कृषक उत्पादक संगठन है इसमें जो है कई कृषक जुड़े हुए हैं, तो आपस में वो लेंडिंग करके वो लोग एक दूसरे को वो मशीन उपलब्ध करा देते, तो वो सबके बेनिफिट के लिए हो जाती है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से जैसे सोलर पंप जो है हमारे वो भी इस बार 220 का लक्ष्य है, तो उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 50 के आसपास का हमारा जो है अभी तक जो है हमने स्थापित करवा दिए हैं और शीघ्र ही कोशिश है कि इसको और भी करा के जो भी हमारा लक्ष्य है हम इसको सैचुरेट कर ले जाएंगे। सर हम लोग विकास को लेकर बात कर रहे हैं, जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का घुन भी लगता है और उस भ्रष्टाचार के घुन को ख़त्म करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो पिछले साल अगर बात करें तो ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए जो ऐसा काम कर रहे थे उनके लिए सीख बने? देखिए इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए, बिल्कुल आपने निस्संदेह बात सही है कि जो है भ्रष्टाचार का घुन जो है लग ही जाता है अगर जो है बहुत सारी जहाँ पर धन इन्वॉल्व है। तो इसमें इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं और जैसे उसमें प्रमुख कार्रवाई यह थी कि आवास में जैसे कई लोगों ने अपात्रों को आवास दिया, सेक्रेटरी जिसमें दोष सिद्ध हो गया, तो हमने उन सबको निलंबित करके उन सब से वसूली कराई है, पूरा पैसा वसूल हुआ। उसके बाद ही कहीं जाके वो 6-8 महीने बाद दंड के साथ बहाल हुए। तो पहला तो ये था कि जो हमारा गबन हो रही धनराशि वो पूरा पूरा वापस आए, और या जहाँ कहीं भी सूचना ये प्राप्त हुई कि भाई काम हो गया है, पैसा निकाल लिया, काम नहीं हुआ है, तो उन लोगों को पे निलंबन भी हुआ है, उनको वेतन वृद्धियां उनकी 2-2, 3-3, 4-4 वेतन वृद्धियां कई लोगों की रोकी गई, जो कि भविष्य में जाके अभी नहीं पता चलता, भविष्य में जाके गंभीर जो है वित्तीय नुकसान तो औपचारिक व्यक्ति को अवश्य होगा उससे। और साथ ही साथ जो भी धन हमारा जो लॉस हुआ था उसकी हमने वसूली कराई है। सामुदायिक शौचालयों में बहुत शिकायत आई थी कि पूर्व प्रधान ने पैसा निकाल लिया और भाई किसी ने निकाल लिया, वो रिटायर हो गए, तो हमने पेंशन निदेशालय तक को लिख के सबसे वसूली कराई है। और हमारे लगभग 14, जब मैं मतलब पिछले वर्ष का आपको बता दूँ, 14 के आसपास ऐसे विवादित हमारे शौचालय सामुदायिक शौचालय थे, वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं इन्हीं सब कार्रवाइयों से। हमने सबसे जितना जिसका रेशियो बनता था सबसे वसूली करवाई और वो पैसा इंश्योर किया कि जमा हो और उसके बाद तभी वो निर्माण नया कराया जाए, ऐसा ना हो कि पुनः पैसा निकाल लिया जाए और उस पैसे का हम इंतजार करें कि कब आएगा। तो हमने सबसे वसूली कराई और सारा जो है निर्माण उस हिसाब से करवाया। तो वसूली की कार्रवाई हुई है, नरेगा में भी यही हुआ है, जहाँ सिद्ध हुआ दोष वहाँ वसूली की कार्रवाई हुई है। जैसे अभी रिसेंटली हर गाँव में एक जगह जो है सिद्ध हो गया था कि भाई उन्होंने मटीरियल का भुगतान कर दिया है और जो है कार्य मौके पर भुगतान होने के बाद हुआ है,
तो उसको हम लोगों ने श्रमदान जो है घोषित करने के लिए कहा, और जो है जो भी था जो मजदूरी थी वो उनकी तरफ से उसको श्रमदान एक तरह से घोषित किया गया। एक जगह ऐसे था कि वहाँ आईडी नहीं बनी हुई थी और काम करा लिया गया था पहले ही प्रत्याशा में कि भुगतान हो जाएगा, तो उसको श्रमदान घोषित किया गया कि भाई अब ये जो है इसका भुगतान नहीं होगा, इसकी आईडी डिलीट कराई जाए। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें थी। रामपुर मथुरा में जैसे शौचालय की एक बात जो है आई थी, तो उसमें 5 लोगों का निलंबन हुआ, उसमें अभी और गंभीर कार्रवाई की जा रही है, उसमें जितने भी लोग हैं सबसे सारे पैसे की रिकवरी कराई जाएगी, और अन्य जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन सब पे भी जो है अभी एक और जांच चल रही है, वो सब फाइनल हो जाएगी। तो उसके बाद उसमें जितने भी अन्य लोग पूर्व एडीओ या जो भी सब उसमें इन्वॉल्व हैं सब पे जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी, चूँकि ये 2020 के आसपास का प्रकरण है जिसका पैसा जो है अब खाते से निकाला गया है, तो वो 2 वर्ष का जो गैप था उस समय जो लोग थे उन सब पे जो है गंभीर कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हो गया जो कार्रवाई आपने की। गाँव में अगर बात करें तो गाँव में और भी एक काकस बन चुका था जो विकास कार्यों को लेकर के, एक बहुत ही प्रचलित था कि गांव में जो विकास कार्य होते हैं वो सेटिंग वेटिंग हो जाती है, एक ही विभाग कार्य कराता है, एक पत्र जारी हुआ कि नहीं अब बहुत सारे विभाग इसको करा सकेंगे जो निर्माण कार्य कराते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि ये होता था कि MB जो हमें करानी होती है मेजरमेंट फाइनल भुगतान से पहले, और जो एस्टिमेट बनता है तो इस पे ये होता था कि जो है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उन्हीं के जई जो है वही बनाएंगे, तो वो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश ये हुआ कि चूंकि एक जीओ भी था इसका, तो उसी के क्रम में आदेश हुआ कि ग्राम पंचायतों में जो भी MB का कार्य या एस्टिमेट बनाने का कार्य है ये अब कोई भी कर सकता है। ये मतलब हमने एक पूरा रोस्टर जारी किया जिसमें जल निगम के भी अभियंता हैं, मंडी तक के अभियंता हैं आपके, और अन्य जितने भी विभाग के इंजीनियर होते हैं PWD के हैं, उन सब की ब्लॉकवार हमने नाम मोबाइल नंबर के सहित एक प्रेस विज्ञप्ति टाइप की दी, तो सभी को जानकारी हुई कि भाई आप जिससे भी कराना चाह रहे हो नियमानुसार उनसे एस्टिमेट बनवा लीजिए, वो सक्षम है उसको करने के लिए अगर, तो और उससे उनकी MB कराइए और अपना भुगतान करिए, जिससे कि एक ही पे जो है निर्भरता ना रह पाए आपकी। और इसी के क्रम में जो है जो पंचायती राज निदेशालय वहाँ से जनपद को 21 कंसल्टेंट इंजीनियर भी प्राप्त हुए हैं, ये जो है प्राइवेट लोग हैं, इनका रिक्रूटमेंट निदेशालय से ही हुआ है और 21 इंजीनियर्स प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। इन लोगों को भी निर्देश है और ये सभी ब्लॉकों पे जा भी रहे हैं, अभी ये काम भी कर रहे हैं वर्तमान में। इन लोगों के लिए भी एक आदेश भी है, इनको शासन से ही निर्देश है कि ये लोग कहीं का भी किसी भी ग्राम पंचायत का जनपद में एस्टिमेट बना सकते हैं, उसकी MB कर सकते हैं और भुगतान किया, और जो भी एस्टिमेट बनाएंगे उसके 2% की धनराशि से इनका जो है वेतन जो है निकलेगा, तो एक तरह से इनके लिए इंसेंटिव है। ये लोग जाके भी लोगों से पूछ रहे हैं, तो आपके माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि सभी को मौका दिया जाए, किसी की एक मोनोपोली ना हो जिससे कि एक कॉकस टाइप का जो बनने की आप बात कर रहे हैं वो ना उत्पन्न हो, सभी को मौका दिया जाए और जो सबसे गुणवत्ता पर काम किए कराए या अच्छे से करे उसी से जो है प्रमोट किया जाए, तो ये एक जनपद के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। जी एक जब गांव होता है तो गांव के साथ इंसानों के साथ जो है गौवंशों की भी बात होती है, सरकार भी गौवंशों को लेकर बड़ा जोर दे रही है और ख़ासकर जो उनके लिए गौशाला निर्माण करा रही है, तो क्या है योजना सीतापुर के लिए? अभी भी कहीं कहीं शिकायत आ जाती है कि आवारा गोवंश नहीं बंद हुए हैं, अब ऐसी नौबत ना आए, आने वाले साल में ऐसी कितनी गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जा रहा? देखिए जनपद में पिछले वर्ष तक लगभग 45 गौशालाएं थीं, अस्थाई गौशालाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो ग्राम पंचायतों में बनती हैं, इसके अलावा जिला पंचायत के कांजी हाउस भी हैं, कुछ गौशालाएँ हमारी नगर पंचायतों की भी हैं, तो वो स्मॉल नंबर है। मेजर अमाउंट जो हमारा है ग्रामीण की अस्थाई गौशालाएँ और जो हमारी वृहद गौशालाएँ पशुपालन विभाग से बनती उससे कवर हो रहा है, तो लगभग 45 के अराउंड गौशालाएं पिछले वर्ष तक हमारी थी। हमने ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये हम लोगों ने टारगेट बनाया कि हर न्याय पंचायत में हमको एक गौशाला बनानी ही बनानी है, तो 219 न्याय पंचायतें हैं इस जनपद में, तो अभी तक हम लोगों ने 110 जो है गौशालाएं संचालित करा ली हैं। बहुत अभियान के तौर पर इस पे लगना पड़ा, कुछ अनिच्छा भी हर जगह से आती, कहीं ज़मीन नहीं मिल रही, कहीं लोग इच्छुक नहीं है बनाने के कि भाई गौशाला का संचालन करने में जो है लोग जो है दबाव बनाते हैं कि यहाँ पशु की मृत्यु हो गई या इस तरह की, कुछ इस तरह का भी व्यूज़ आए थे, पर सबको हमने मोटिवेट किया, बहुत कोशिश की गई, बहुत लगा गया, तो इस समय 45 से बढ़ के वो संख्या पिछले मई की बात थी कि 45 में थी और अब वो संख्या लगभग 110 के आसपास है, तो इसमें लगभग हमारे 15,000 के आसपास 12 या 12,500 के आसपास पशु हमारे संरक्षित हैं इन 110 गौशालाओं में, तो अभी भी बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी भी ये बिल्कुल मतलब कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से पशु अभी बाहर घूम रहे हैं। जो हमारा पशु गणना हुई थी उसके हिसाब से जनपद में 2018 में 17,000 के आसपास निराश्रित पशु थे, परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये संख्या इससे बहुत ज़्यादा है, निराश्रित 17,000 से बहुत ज़्यादा होंगे वर्तमान में, तो बिल्कुल है। एक हमने इंडिपेंडेंट सर्वे भी कराया था
जिससे लगभग 11-12 हज़ार आए थे कि अभी भी निराश्रित पशु हैं। तो हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया 12-13 हज़ार अभी हमने जो है आंकड़ों के हिसाब से 110 गौशालाओं में कंजर्व कर लिए हैं। तो अब ये कोशिश है कि और भी जो अन्य बचे हुए हैं पशु, तो उनको हम जो है इन गौशालाओं में लाएँ और नई गौशालाएँ जितनी जल्दी हम बना सकें। अभी भी हम डेली इसकी हम लोग समीक्षा भी करते रहते हैं, तो धीरे धीरे एक दो हमारी हर माह नई जो है 2-3 गौशालाएँ तैयार हो जा रही हैं। तो उसको स्पीडअप करने की कोशिश है, और कोशिश है कि जो चल रही हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाए, कि मॉडल के रूप में वो विकसित हों। इनमें हमने जो है ये कोशिश की, हमने नए पंचायतों से एक अनुबंध भी कराया। प्रायः शिकायत आती गौशाला जो है केयरटेकर जो है बड़ी गौशाला है, 4-5-6 केयरटेकर हैं, ग्राम पंचायत छोटी है, उनका भुगतान नहीं कर पा रही है। तो ये हम लोगों ने नए पंचायत लेवल पे, मतलब ये अग्रीमेंट एक उस नए पंचायत की सभी जहाँ पे गौशाला है उसके अगल बगल की सभी ग्राम पंचायतों से एक हमने वो करवाया है, अग्रीमेंट करवाया है बाकायदा लिखित में, कि भाई जो भी केयरटेकर का पैसा है वो ये सारी शेयर करेंगे आपस में। तो बहुत सी जगहों पर अभी शुरू भी हुआ है, बहुत सी जगह थोड़ी अनिच्छा है, इसको दबाव बना के हम लोगों की कोशिश है कि इसको करवा ले जाएँ, जिससे कि एक ग्राम पंचायत में इसको मैनेज करने का लोड ना आए। तो ये एक हमारी योजना है। साथ ही साथ हमने जो समूह है स्वयं सहायता, उनका एक अनुबंध गौशाला से कराया है कि वो जो खाद वहाँ से निकल रही है गोबर की, उसको लें, वो नरेगा में जाके जो वृक्षारोपण हर साल ही होता है नरेगा के अंतर्गत, तो उसमें वो वेंडर के तौर पे वो समूह पंजीकृत हो जाएगा और अपना नरेगा में जो है मतलब वो वृक्षारोपण में अपना वो खाद जो वहाँ से ले रहा है वो सप्लाई करेगा, उसका कुछ पैसा वो गौशाला को देगा, कुछ अपने पास। तो जैसे पिसावा में कई गौशालाएँ हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मतलब एक दिन मैं निरीक्षण में गया तो बिल्कुल वहाँ के वीडियो ने बताया भी कि ये जो है कराया गया बिल्कुल अच्छे से, इसको जो है पैसा उनका ट्रांसफ़र भी हुआ गौशाला के भी खाते में है। तो ये मॉडल भी धीरे धीरे हम लोग की मतलब कोशिश है कि इसको एक मतलब रूटीन में ले आए, हैबिट बन जाए, तो जिससे कि जो है हर जगह ये फॉलो हो जाए, तो ये हम लोग की कोशिश है जी। तो यही तो गौशाला की बात हो गई, एक योजना चल रही है हर घर जल हर घर नल जी। बिल्कुल, ये देखिए इस समय जो है भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन है। तो इसके तहत भी जनपद में जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें 1599 सब में जो है पानी की टंकी का एक जो है बनाने का एक प्रावधान इसमें आया है। तो इसमें भी हमारी प्रगति, चूँकि जनपद को जो है 2 कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं L&T और NCC, तो इसमें जो है हमारी 946 के आसपास जो ग्राम पंचायतें हैं वो हमारी थर्ड फेज़ में बहुत ही जून 2022 में ही प्राप्त हुई हैं। तो उनमें थोड़ा काम हमारा अभी स्लो है, और बाकी जो हमारी फेज़ 2 की थी जो बची हुई ग्राम पंचायतें वो L&T और NCC पिछले जो है दिसंबर या नवंबर के आसपास से वो लोग कार्य करा रहे हैं। इनकी रेगुलर समीक्षा भी की जाती है, कुछ जगहों पे इनके कार्य बिल्कुल मैं मानूंगा स्लो हैं, और कई जगह से ये भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि नाली या खुदवा दिया है पाइप देने के लिए। ये प्रायः यही समस्या जो है सबसे आती है कि रास्ता खुदवा दिया उसके बाद उसको बना नहीं रहे। तो इसमें आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, इसमें देखिए इनकी प्रक्रिया ये होती है कि ये पाइपलाइन सिस्टम इन्होंने बिछा दिया, और फिर पानी की टंकी, जब पानी की टंकी लग जाती है और पूरा चल जाता है सिस्टम, तो उसके बाद इनको जो है उसको बंद करना रहता है कि कोई लीकेज वगैरह हो तो उसको जो है चेक कर लिया जाए। तो ये कई जगह पे इन लोगों के निर्देशित भी किया है कंपनियों को, इन लोगों ने क्या किया, कई जगहों पे काम किया है, उसके बाद कई जगह से ये जो है मतलब आधा छोड़ के या दूसरी जगह शुरू कर दिया इन्होंने काम, तो वो एक समस्या आई है। निरंतर इन लोगों को लेटर भी लिखा जा रहा है, और जो जनसाधारण की ये जो समस्या है कि उनकी जो है CC रोड खोद दी और वो 3 महीने से खुदी हुई है, इससे भी अवगत कराया जा रहा है। एक थर्ड पार्टी भी लगी हुई है जो फोटो खींच के बाकायदा इन लोगों का जो है मॉनिटरिंग करके हमें भी रिपोर्ट देती है और शासन में भी जाती है। तो बिल्कुल हम इसको फॉलोअप कर रहे हैं, और जहाँ से भी शिकायत आती है इन लोगों को निरंतर निर्देशित किया जाता है कि जो है इसको सही करवाइए, और करवा भी रहे हैं वो लोग। कुछ जो कमियाँ हैं उसको फिर कोशिश की जाएगी आने वाले समय में इसका पूरा निस्तारण किया जा सके, जो भी जनसाधारण की समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। सीडी साहब, सरकारी भवनों में सहनाई और गोद भराई ये बड़ा लाभ पहुंचा रही लोगों को, जिस तरीके की जो शादियां हो रही हैं आप लोग ब्लॉकों पर कराते हैं और गोद भराई होती है, आने वाले साल में लगभग ये और बढ़ेंगी, क्या है उम्मीद? देखिए बिल्कुल जो है ये शादी अनुदान का जो है पिछड़ा वर्ग, जो हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, तो उनका भी अभी जैसे रिसेंटली एक लक्ष्य आ गया, उनका भी उनको भी बजट आवंटन हो गया। तो शादी अनुदान वाला जो होता है 20,000 रुपये का अनुदान मिलता है, तो उसके लिए भी लाभार्थियों का अब जो है चयन हो रहा है, और फटाफट हम उसकी भी कार्रवाई कर ले जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विभाग का उनके यहाँ जी हो गया था कि अब उनका जो शादी अनुदान नॉर्मल वाला होता था 20,000 रुपये जिसमें लाभार्थी खाते में जाते थे, तो वो ना जाके 50,000 जिसमें 51,000 लगभग है, तो वो जो है सामूहिक वाला कराया जाए। तो उसका हमें लक्ष्य अभी आवंटित हुआ, तो उसके क्रम में हम लोगों ने अभी पहले जून जुलाई में एक बार हुई थी, और अब जो है अभी नवम जो है कुछ दिन पहले दिसंबर में भी जो है अभी
एक कार्यक्रम बृहद कार्यक्रम यहाँ जनपद पे भी और जो है हर ब्लॉक लेवल पे कराया गया था। इसका और भी लक्ष्य अभी आने की उम्मीद है, तो जो अन्य जोड़े हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा और इस तरह का कार्यक्रम बिल्कुल कराया जाएगा जी। तो सीतापुर के गाँव में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएँ संचालित हो रही हैं, आने वाले दिनों में राजधानी से सटे सीतापुर जनपद को क्या कुछ मिलने जा रहा है और क्या कुछ जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके खिलाफ नकेल कसने का प्रयास हुआ है, ये सारी बातों को आज आम दर्शकों तक लोगों तक पहुंचाने का काम सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी अच्युत वर्मा ने किया। और ये महत्वपूर्ण पहल इसलिए की गई ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि हमारे सीतापुर में गाँव में खासकर क्या कुछ हो रहा है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही लोगों को जानकारी देते रहेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू सिंह चौहान और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह और खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।